Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मैनपुरी, रामपुर और खतौली में उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। वहीं इन तीनों सीटों पर अब नामांकन भी शुरू हो चुका है। वहीं मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाया है। डिंपल यादव के उम्मीदवार बनने के बाद शिवपाल सिंह यादव ने भी सीधे तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब सवाल उठने लगा है कि क्या समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों के लिस्ट में शिवपाल सिंह यादव का नाम होगा या नहीं, इसकी चर्चा उत्तर प्रदेश के सियासत में तेज हो गई है। दरअसल बात करें तो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी उपचुनाव में परिवार की सीट बचाना चुनौती बनती जा रही है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसके लिए सपा के स्टार प्रचारकों की सूची में शिवपाल सिंह यादव का नाम होगा। इस पर अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव की प्रक्रिया आ गई है। तेज प्रताप यादव की अगर मैं बात करता हूं तो वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और अखिलेश यादव के परिवार से आते हैं और वो भी सांसद रह चुके हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि जब सूची आएगी तो आपको पता चल जाएगा, सूची आने दीजिए, अभी समय है, अभी नामांकन होने दीजिए, स्थिति साफ हो जाएगी। तेज प्रताप ने यह बयान एक मीडिया चैनल के साथ बातचीत के दौरान दिया। हालांकि तेज प्रताप यादव के इस बयान से स्पष्ट नहीं हुआ कि शिवपाल यादव स्टार प्रचारकों में रहेंगे या नहीं। उनके स्टार प्रचारक बनाए जाने की संभावना अब नहीं के बराबर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट समाजवादी पार्टी जारी करती है तो क्या अपने चाचा यानी कि शिवपाल सिंह यादव को अखिलेश यादव स्टार प्रचारक बनाते हैं कि नहीं, क्योंकि मैनपुरी के लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक विधानसभा से जसवंत नगर, वहां से शिवपाल सिंह यादव विधायक है और वहां पर उनका जो वर्चस्व है वो कहीं ना कहीं जबरदस्त तरीके का है, तो ये बेहद देखना दिलचस्प भी होने वाला है। ठीक है, बाकी आपकी क्या राय है बता दीजिएगा। वहीं अगर मैं बात करूं तो शिवपाल सिंह यादव के टिकट पर वर्तमान में विधायक हैं, लेकिन उनकी पार्टी प्रसपा का अब सपा के साथ तलाक हो गया है। लेकिन नेताजी के निधन के बाद शिवपाल यादव ने कई ऐसे बयान दिए जिससे लगा कि चाचा और भतीजे एक बार फिर साथ आ सकते हैं। लेकिन गोला उपचुनाव में स्टार प्रचारकों की सूची में चाचा का नाम बाहर होने के बाद उनके स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम आने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या मुलायम सिंह यादव के गढ़ को डिंपल यादव बचा पाएंगी या फिर नहीं, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए।